जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एलएन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जारत में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे इसके पहले ओशनोग्राफी लगभग समाप्त हो चुका है और जितना भी आपको पढ़ाया गया है, यदि आप उसको अच्छे से तैयार करके जाएंगे एग्जाम में, तो ये हमारा दावा है कि वहाँ से बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, या जो भी पूछा जाएगा वो आप क्या कर पाएंगे, जो आपका कंसेप्ट क्लियर है उससे जो आपको नहीं पढ़ाया गया है वो भी अच्छे से आप क्या कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट अगला यूनिट। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के कुछ ज्योग्राफर को, ठीक है, और कुछ जो है पॉपुलेशन संबंधित डेटा की बात करेंगे। यहाँ से लगातार दूसरे जो है हर वर्ष कम से कम दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमने शामिल किया। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि पॉपुलेशन से रिलेटेड कौन से ज्योग्राफर हैं और उनका ज्योग्राफी में जो उन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, साथ ही साथ कुछ पॉपुलेशन डेटा की बात करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से कम दो क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है, जैसे हम लोग ज्योग्राफी की अलग अलग ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, वैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का विकास हुआ काफी बहुत ही बाद में हुआ। पहले इसको क्या करते थे, हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते थे। इसका अलग से ब्रांचिंग यानी अलग शाखा के रूप में इसका अध्ययन नहीं होता था, क्योंकि लोग ये मानते थे कि जो पॉपुलेशन, जो इसे हम लोग बात करते हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी की, ठीक है, तो वहाँ पर भी ह्यूमन की बात करते हैं या हम लोग थॉट में बात करते हैं, तो ऐसे ऐसे ही बहुत से ब्रांचेज में ह्यूमन की बात कर ली गई, मानव की बात कर ली गई। तो उसमें ये बताया गया कि पॉपुलेशन में ऐसा क्या है जिसका हम अलग से अध्ययन करें, ठीक है, तो इस पर काफ़ी द्वंद्व चला, काफ़ी दिनों तक विचार विमर्श चला, ठीक है, बहुत सारे विद्वान इसके पक्ष में तर्क दिए, बहुत सारे विपक्ष में तर्क दिए। उसी क्रम में एक बहुत बड़े जो है विद्वान हुए जिन्होंने अपने अथक प्रयास के द्वारा इस पूरे ज्योग्राफी को एक अलग ब्रांच के रूप में जो है सम्मिलित करने के लिए क्या किया, बहुत ही कड़ी मेहनत की और अंत में उनको इसकी सफलता मिली। उन्हीं के कारण जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी को अलग से क्या मिली, एक ब्रांच के रूप में मान्यता मिली। तो आइए उनके बारे में हम लोग जानते हैं और अन्य विद्वानों को जानते हैं जिन्होंने क्या किया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में काफ़ी अपना योगदान दिया है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी के जो फादर है या प्रोपाउंडर कह सकते हैं, जीटी टिरवार था। इन्होंने 1953 में, ठीक है, अपनी बातें लोगों के सामने रखी और 1953 में ही जाके क्या हुआ, पॉपुलेशन ज्योग्राफी को एक अलग से ब्रांच के रूप में मान्यता मिली। तो आप लोग ये जानिए कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी के पिता कौन हैं, वो हैं आपके जीटी टिरवार था, ठीक है, ये पॉइंट आपको जानना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि रिसेंट में अभी डेवलप विषय है, इसलिए यहाँ से काफी क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब बात करते हैं कुछ पुस्तकों की, जिन पुस्तकों ने क्या किया है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के विकास में योगदान दिया है, और यूजीसी भी लगातार यहाँ से क्या कर रहा है, चार पांच विद्वान का नाम देकर पूछ ले रहा है मैच द फॉलोइंग में कि किस विद्वान ने कौन सी पुस्तक लिखी है। पहले पुस्तक हम पढ़ेंगे आप पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ठीक है, ये जे आई क्लार्क एक बहुत बड़े विद्वान हुए, तो जे आई क्लार्क ने पुस्तक पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी के पहली पुस्तक मानी जाती है कि जब पॉपुलेशन ज्योग्राफी को अलग ब्रांच के रूप में मान्यता मिली, तो उस समय क्या हुआ कि पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या चीजें लिखा जाए, ये काफी क्या है अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है कि किसी विषय की जब शुरुआत होती है तो उसमें लिखा क्या जाए, सम्मिलित क्या किया जाए। तो जे आई क्लार्क महोदय ने क्या किया, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की पहली पुस्तक लिखी पॉपुलेशन ज्योग्राफी। हिंदी मीडियम वाले भी इसको एज इट इज याद रखेंगे, इसका अर्थ परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करना है आपको, ठीक है, तो ये पुस्तक हो गई। दूसरी पुस्तक है अ केस्ड ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये किसकी है, ये टिरवार्था महोदय जी की है, अ केस्ड ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी। अगली जो आपकी महत्वपूर्ण पुस्तक है अ ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न, ये भी क्या है, ये दोनों पुस्तकें टिरवार्था जी की है, अ केस्ड ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अ ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ल्ड पैटर्न, ठीक है, तो ये दोनों किताबें आपको याद रखना है किसकी है, टिरवार्था जी की है। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये भी किसकी है, जे आई क्लार्क की है, एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, एक सब्जेक्ट मैटर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, दोनों पुस्तकें किसकी है, क्लार्क महोदय की है। अगली जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ये है गार्नियर, ठीक है, गार्नियर एक विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान हुए, तो इन्होंने किताब लिखा ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन में काफी क्या होता है, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए एग्जामिनर इसको बार बार देता है,
ठीक है, ये किसने लिखी, पॉपुलेशन जियोग्राफी किसने लिखी, जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखी, तो जियोग्राफी ऑफ पॉपुलेशन गार्नियर ने लिखी, जिसमें आ लग जाए, ए लग जाए मतलब, ठीक है, आप पॉपुलेशन ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी वो किसने लिखी, क्लार्क महोदय ने लिखी। अगली जो पुस्तक है प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये विल्बर जेलेंस्की ने लिखा है, किसने लिखा है, विल्बर जेलेंस्की महोदय की पुस्तक है, ये भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछी गई है। ठीक है, अगली जो पुस्तक है वो है पॉपुलेशन जियोग्राफी आ रीडर, ठीक है, पॉपुलेशन जियोग्राफी आ रीडर ये लिखा गया है जीके डेमका के द्वारा, ठीक है, विद्वान थे जीके डेमका, ठीक है, तो जीके डेमको ने क्या किया था, पॉपुलेशन जियोग्राफी आ रीडर नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये विद्वान थे किंग्सले डेविस, यहाँ डेविस शब्द के कारण क्या होता है, लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है, ठीक है, कि भाई साहब डेविस यहाँ कहाँ आ गए, तो ये पुस्तक याद रखिएगा, एग्जाम में काफी पूछी जाती है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान यानी भारत और पाकिस्तान की जनसंख्या नाम की जो किताब लिखी थी वो किसने लिखी थी, किंग्सले डेविस महोदय ने लिखी थी। तो इतनी सारी पुस्तकों को आपको याद रखना है, अच्छे से मगअप करना है, आपको लिख के हमेशा इसको जो है रिकॉल करते रहना है, तभी आपका क्या होने वाला, ठीक है। तो चलिए आगे थोड़ा पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आगे थोड़ा डेटा की बात कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कि जनसंख्या का जो वितरण है वो हमारे महाद्वीप पे कैसा है, उसका वितरण कैसा है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वर्तमान में अगर 2023 की बात किया जाए तो अब तक की पूरे पृथ्वी की अगर पॉपुलेशन देखा जाए, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन देखा जाए, तो वो नियर अबाउट 8 बिलियन यानी 8 अरब जनसंख्या क्या हो चुकी है, पार कर चुके हैं हम लोग। अब देख सकते हैं कैसे कैसे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग देखा जाए महाद्वीपों का वितरण, तो उसमें सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है आपका, एशिया, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, ठीक है, और छठे पे यूरोप, सातवें पे क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो दिन अब चले गए हैं जब आपसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। अब आपको 4-5 कॉन्टिनेंट दे दिए जाएंगे और आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर मैच करने के लिए दिए जाएंगे, तो इसलिए हमने इस चीज को यहाँ सम्मिलित किया, कई बार ऐसा पूछा गया है, लास्ट एग्जाम में भी पूछा गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हमेशा रेडी रखना है। ठीक है, दूसरा है जनसंख्या के बेस पे देखा जाए कि कौन सा महाद्वीप पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे पे है, तो पहले पे आपका एशिया है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा यूरोप, चौथा नॉर्थ अमेरिका, पांचवा साउथ अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका सबसे लास्ट में है, क्योंकि यहाँ पर मानव की अस्थायी बस्तियां नहीं पाई जाती हैं, ऐसे फेवरेबल कंडीशन हम लोगों के रहने के योग्य नहीं है। ठीक है, कहीं पर जो शोध के कार्य करने वाले विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, वही यहाँ पर जाकर जो है अपना रिसर्च का वर्क करते हैं और लौट आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉपुलेशन के जो है रेफरेंस में और एरिया के रेफरेंस में आपको क्या करना है, दोनों को तैयार, एक जो है कॉन्टिनेंट का क्रम है वो कैसा है। ठीक है, अगर पूरे विश्व के टोटल पॉपुलेशन की बात किया जाए तो टोटल पॉपुलेशन का जो 90% पॉपुलेशन है, ठीक है, वो कहाँ रहती है, वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूरा जो पॉपुलेशन अगर बात किया जाए 8 बिलियन पॉपुलेशन की, तो 8 बिलियन का 90% लगभग जो है 7 अरब 20 जो करोड़ पॉपुलेशन आपकी है वो कहाँ पे रहती है, वो उत्तरी गोलार्ध में रहती है। उत्तरी गोलार्ध कहने का मतलब ये आपका अर्थ हो गया, ये आपका इक्वेटर हो गया, इधर वाला पार्ट नॉर्थ जो है हेमिस्फीयर, इधर वाला साउथ हेमिस्फीयर। तो टोटल पॉपुलेशन का लगभग 90% कहाँ रहता है, उत्तरी गोलार्ध में है, और केवल 10% पॉपुलेशन कहाँ पर है, साउथ हेमिस्फीयर में है। कहाँ पर है, साउथ हेमिस्फीयर में है, क्योंकि उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पर स्थलीय भाग ज्यादा है और दक्षिण गोलार्ध में क्या है, जलीय भाग ज्यादा है। इसका जो अनबेन यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और सरफेस का, ठीक है, वो भी एक रोल प्ले कर रहा है आपके पॉपुलेशन के जो है कंसंट्रेशन का, ये आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं, लेकिन एक कारण ये भी, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में लास्ट ईयर देखा गया है आपसे ऐसे पूछ लेगा कि जो विश्व की जो है 80% पॉपुलेशन उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, बस यहीं पर आपका क्या हो जाएगा, संविधान मौन हो जाएगा कि ये तो कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है।
जबकि ये क्या है, बहुत ही बेसिक फैक्ट है, इतना फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर टोटल पॉपुलेशन यानी 8 बिलियन पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में है, ठीक है, तो ये जो आपकी 8 अरब जनसंख्या है, इस जनसंख्या का अगर 50% देखा जाए, यानी लगभग लगभग 4 अरब पॉपुलेशन की बात किया जाए, ठीक है, तो वो कितने अक्षांश के बीच में रहती है, वो 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में रहती है। क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कितने परसेंट पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन है, ठीक है, और अगर टोटल पॉपुलेशन के 50% की बात किया जाए तो वो मात्र कहां रहती है, 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी अक्षांश के बीच में अपना प्यारा भारत भी पड़ेगा और जो है चाइना भी आएगा, ठीक है, यानी जो दो मेजर जो पॉपुलेशन वाली कंट्री हैं वो इसी गोलार्ध, इसी जो है आपके किसमें आएंगे, अक्षांश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए 50% किसके बीच में है, 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में है, ठीक है। अगर एक फैक्ट और बात किया जाए कि 60 डिग्री जो नॉर्थ है, यानी 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के आगे बात किया जाए, तो केवल 1% जनसंख्या निवास करती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन का पूरे वर्ल्ड में वो कहाँ पर है, 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में है। क्योंकि जो आपका एशिया है, केवल एशिया में अकेले ही पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या निवास करती है, तो इससे आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना अधिक है। ये सोचिए फैक्ट कि 60% यानी अगर बात किया जाए तो साउथ में केवल 10% पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर 60 डिग्री नॉर्थ यानी 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में चले जाएंगे तो उसके उस पार केवल विश्व की 1% जनसंख्या रहती है। यानी कितना जो है, क्या है, जनसंख्या का जो वितरण है, प्रतिरूप है, उसमें कितनी असमानता है आप देख सकते हैं इस फिगर से, ठीक है। अब आइए कुछ हम टर्मिनोलॉजी की बात कर लें जो जनसंख्या में यूज होता है। जैसे एक है एक्यूमिन, एक्यूमिन एरिया बोला जाता है, तो एक्यूमिन किसे को बोलते हैं, आपसे एग्जाम में अगर ये पूछ लिया कि एक्यूमिन और नॉन एक्यूमिन क्या है, तो एक्यूमिन ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं जो रहने योग्य क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड कराती है, यानी जो रहने योग्य होती हैं, यहाँ पर आप आराम से रह सकते हैं। तो विश्व का लगभग 55 से 60% जो एरिया एक्यूमिन है, यानी लगभग 60% एरिया रहने योग्य है और 40% एरिया रहने योग्य नहीं है। यानी नॉन एक्यूमिन कितना है, लगभग लगभग 35 से 40%। नॉन एक्यूमिन का मतलब गैर अधिवासीय क्षेत्र या जो रहने लायक हमारे योग नहीं है, ठीक है। एक आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता जा सकता है कि जनसंख्या गत्यात्मकता क्या चीज है। जनसंख्या गत्यात्मकता का मतलब दीर्घकाल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो पॉपुलेशन डायनेमिक्स यानी जनसंख्या गत्यात्मकता का मतलब ये होता है कि इसमें क्या क्या शामिल है, इसमें बर्थ रेट यानी जन्म दर शामिल है, प्लस इसमें क्या है, डेथ रेट यानी मृत्यु दर भी शामिल है, और साथ ही साथ इसमें क्या शामिल है, माइग्रेशन यानी प्रवास भी शामिल है। यानी ये तीन कारण, इसके कारण क्या होता है, पॉपुलेशन डायनेमिक्स होता है, जनसंख्या में गत्यात्मकता आती है, जनसंख्या में परिवर्तन होता है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है, ठीक है। कहीं पर जन्म दर है यानी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बच्चों का जन्म हो रहा है, ठीक है, तो तब भी वहां पर जनसंख्या में जो परिवर्तन आया, यानी 10 था 15 हो गया, ठीक है। अगर कहीं पर मृत्यु दर है तो 10 था 2 लोग मर गए, 8 बचे, तब भी आपकी जनसंख्या क्या है, गतिशील है, परिवर्तित है। अगर प्रवास हो रहा है, बाहर से आकर लोग अंदर आ रहे हैं, यानी जो है जहां पर 10 लोग थे वहां आ रहे हैं, तब भी बढ़ जाएगा, या जहां पर 10 लोग है वहां से लोग चले जा रहे हैं। प्रवास का मतलब क्या हुआ, प्रवास का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई पॉपुलेशन आ रही बाहर जा रही है, या बाहर से क्या हो रही है, आ रही है, तो इसी प्रोसेस को प्रवास बोलते हैं, ठीक है। प्रवास में दोनों चीज ऑलरेडी सम्मिलित है, प्रवास मतलब ये नहीं कि केवल जाना हुआ या आना हुआ, दोनों सम्मिलित है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इतने पॉइंट आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी में याद रखने हैं। अगर आप लोग इतना याद रखते हैं तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन आएगा एकदम 100%, आप इसको लिख के ले लीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।